स्वागत है, बताइए हफ्ते के लिए आपका व्यू क्या है। और जो सरकार ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं मोदी जी ने, देखिए लाल किले से, उसमें अगर कोई आपको उस सेक्टर्स में कुछ आपको सेक्टर पसंद आ रहा हो, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हुई, ऑप्टिकल फाइबर्स की बात हुई, वोकल फॉर लोकल की चर्चा हुई, अगर उस थीम को आपको प्ले करना हो, इन तीन ब्रॉडर थीम को, तो कौन से स्टॉक से प्ले करेंगे सर, बताइए व्यू क्या है आपका इस समय मार्केट पर। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग हेमंत जी, आपको भी और हर्षिता को भी। गुड मॉर्निंग सर। और मैं फिर कहूंगा कि वेलकम टू द न्यू ईयर आफ्टर द न्यू इंडिपेंडेंस। और वो बता रहा है कि स्टॉक मार्केट इज अ बैरोमीटर ऑफ फ्यूचर ग्रोथ एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट इन द लास्ट फोर मंथ्स आपने देखा इज गेटिंग प्राइस्ड इन। बट आई वुड स्टिल बी लिटिल पेसिमिस्टिक ऑन द नेक्स्ट टू वीक्स और कॉशन रखूंगा क्योंकि निफ्टी कैन बी वॉलेटाइल। आपने फ्राइडे में झलक देखी, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की करेक्शन आई और मुझे लगता है वो थोड़ा रह सकता है क्योंकि यू आर अनईजी क्लोजर टू दिस 350 to 400। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जैसे मैंने आपको कहा आई डोंट रूल आउट अ 500 पॉइंट करेक्शन फ्रॉम द टॉप विच मीन 10,800 कैन बी टेस्टेड। हाउएवर जैसे आपको कहा हेज करके चलिए, बने रहिए मार्केट में। आपने बड़ी अच्छी टिप्पणी की कि देखिए मोदी जी और प्रधानमंत्री जी का एक ही निश्चय है कि लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए मकान बनना, और इससे बड़ी थीम हो नहीं सकती। और इसलिए मैं आपके चैनल पे दो हफ्ते से आप पूछ रहे थे तो मैं आपको कहा कि एनबीसीसी एक मेरा रेकमेंडेड स्टॉक है जो अंडर परफॉर्म किया है, 50-65 रुपए में किया था और 25 का भाव है। अब तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जैसे जैसे ये मुहिम बढ़ेगी ऑफ यू नो लक्ष्मण रॉय ने इतनी बड़ी बात बड़ी कि 1,68,000 करोड़ की कैपिटल आउटले होगी फॉर कंप्लीशन एंड फॉर यू नो रीजुवनेशन और एनबीसीसी विल गेट द लायन शेयर। तो 25-26 रुपए का भाव है, आपको 75 रुपए का भाव दिख जाएगा अगले इंडिपेंडेंस डे, 50 रुपए तो इसमें इस साल आ जाएंगे। दूसरा मैंने आपके यहाँ प्ले अभी आपने सुना सन टीवी के रिजल्ट, आई थिंक द रिजल्ट्स आर वे अहेड ऑफ स्ट्रीट। 68% उसका एबिटा मार्जिन है विच इज ग्रोन बाय 500 बेसिस पॉइंट। ओटीटी प्लेटफॉर्म इंक्रीज इन तमिल मार्केट शेयर एंड अब जो एड रेवेन्यू ग्रोथ आएगी इट विल डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस स्टॉक बींग री रेटेड। 400 रुपए का भाव है हेमंत जी, इसका मुझे भाव 600 रुपए दिखता है अगले इंडिपेंडेंस डे तक। तो ये एक थीम है जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते एंड यू विल स्टार्ट टू सी लॉट ऑफ एक्रिएशन ऑन द अपसाइड। इट्स अ लो, ये मैंने आज वैल्यूएशन पे जाए तो ये ट्रेड करता है लेस देन ऑलमोस्ट 10 times, जो बहुत ही रीजनेबल है, हाफ द मल्टीपल ऑफ अदर। तो ये और हेमंत जी यहां मैं कहूंगा 2-3 थीम्स मुझे PSUs में बहुत पसंद है, NTPC के रिजल्ट्स, NMDC के, इंजीनियर्स इंडिया। तो मैं यहां रेकमेंड करूंगा कि CPSE ETF है जो 16-17 रुपए चल रहा है उसमें आप एक सिप कीजिए, ये इसका भाव 25 रुपए हो जाएगा अगले इंडिपेंडेंस डे तक विच इज अ 50% अपसाइड बिकॉज आई थिंक PSUs आर गेनिंग मार्केट शेयर और उनका परफॉर्मेंस इज बिलाइंग व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग। I would say a re-rating of most of these PSU stocks, particularly NBCC, Engineers, NTPC, NMDC is on the cards in the next 6 months. तो देखिए एक तो CPSE ETF में हमेशा से आपसे एक सवाल हम लोग ये पूछते हैं कि कोई बैक बेंचर जिसके इस बार नंबर खराब आए हो आगे अच्छे आ सकते हैं, जिन नंबर्स की बात की हम लोगों ने, बताइए सर आपको क्या पसंद है इस लिस्ट में से जिन्होंने थोड़े वीक नंबर पेश किए और आगे चलकर आपको लगता है कि रिकवरी दिखेगी नतीजों में। तो हेमंत दो पॉइंट कहूंगा, एक तो आपने अभी पैकेजिंग की बात की उसमें मयूरेश ने दो नाम लिए पॉलीप्लेक्स और द अदर कंपनी दैट इज, बट आप ये लेके चलिए कि GST कटने से जो आपकी पैकेजिंग इंडस्ट्री है बीन अ बिग बेनिफिशियरी। दो नाम लूंगा मैं जो मुझे बहुत पसंद है इस भाव पे, कॉस्मोफिल्म और यूफ्लेक्स, बिकॉज दे आर द प्राइमरी प्लेयर्स हियर और ग्लोबली क्रूड के घटने से जो इनकी इनपुट कॉस्ट है वो काफी घटी है। और अगर आप एक प्ले देख रहे हो इन द नेक्स्ट 2 years ऑफ यू नो हाउ Amazon इज गोइंग टू ग्रो एंड सो ऑन, तो कॉस्मोफिल्म एंड यूफ्लेक्स विल बी आल्सो पार्ट ऑफ दैट रैली बिकॉज दे आर द वंस वेयर द फिल्म इज कम्स, फिल्म प्रोड्यूस होती है जो BOPP उन्होंने बताया। न्यू इंडिया इंश्योरेंस आई थिंक इज अ नो ब्रेनर, आपको प्राइवेट इंश्योरेंस और इसको इंक्लूड करिए बिकॉज इंश्योरेंस एज अ थीम इन द नेक्स्ट 2-3 years इज अ वेरी वेरी वायबल बिजनेस। और साथ में रैमको सीमेंट आई थिंक 1 quarter से मत लीजिए, मैं इसको ट्रैक करता हूँ जब इसका भाव 12 रुपए होता था, 10 रुपए बेडअप, 100 रुपए बेडअप का, और ये बहुत साल पहले की बात है, इट वॉज अंडर द नेम ऑफ मद्रास सीमेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड वन वेल रन साउथ कंपनीज, और सीमेंट के इसमें कोई जवाब नहीं। तो आई थिंक एनी वीकनेस इन रैमको शुड बी अ अपॉर्चुनिटी टू बाय बिकॉज आई थिंक सीमेंट इज अ इंडस्ट्री जो
अब ये मॉनसून के बाद बहुत स्टेलर नंबर्स आएगी बोथ ऑन वॉल्यूम एंड प्राइसिंग फ्रंट। तो